इंटेंसिव होती हैं दिव्य शक्तियाँ, तो हम हमारा एक साधारण सा शरीर और मन और आत्मा जब दिव्य स्तर पर जागृत ना हो तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुदेव का सुरक्षा कवच, सुरक्षा शील्ड अनिवार्य है, जो हमारी नेगेटिव एंटिटीज को भी हमसे दूर रखता है, हमारी सुरक्षा करता है। और हमारी जो हम सेवा, साधना, संकीर्तन, अध्यात्म, वेद यात्रा, अध्यात्म यात्रा जो करेंगे, उसमें हमारे गुरु का बहुत ही दिव्य इम्पोर्टेंट आवश्यक स्थान होता है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी जरूरी है ना, इसलिए साधना के पथ पे, आध्यात्म के पथ पे गुरु अत्यंत जरूरी है। गुरु आपको आपो दिवो भवा, उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम जब महात्मा बुद्ध बने, उन्होंने मुझसे पहले बहुत सारे गुरुओं का संपर्क किया, बहुत सारे गुरु की शरणागत ली है ना, बहुत सारे गुरु की शरणागत और ज्ञान ध्यान प्राप्त करने के बाद में एक अवस्था, तब उन्हें लगा कि अब अपने अंदर की चेतना जागना चाहिए, अब अपनी आत्मा का दीप आपो दीपो भव जागना चाहिए। तो बैठे बोध गया में वृक्ष के नीचे और निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे मेरे गुरुदेव, जिस तरह से आपको निर्वाण की मुक्ति की प्राप्ति हुई संसार के मोह माया जाल से, मुझे भी इसी जन्म में मोह माया से मुक्त मोक्षानुभूति साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करा देना मेरे गुरु मंडला, पुनरपि जन्मम पुनरपि मंडलम से मुक्ति दिला देना। जहाँ जो मेरा मूल स्वरूप है, जहाँ से मैं दूर होकर इस संसार में देहधारी हो गई, मुझे वहीं उसी में मिला देना, परमात्मा के उसी स्वरूप में मिला देना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। बस यही मेरी पहली और आखिरी अभिलाषा है, मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति है। प्रेमानंद, हे कृष्ण अपने में समा लेना, ऐसी मेरी भाषा, व्यवहार, वाणी, मेरे कर्म ऐसे हो मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरु मंडला, कि आपकी कृपा की पात्र सदा ही बने रहूं और इस नश्वर संसार के मोह माया से मुझे मुक्ति मिल जाए। जन्म जन्म के जो नकारात्मक संचित कर्म है, ईर्ष्या, कलह, क्लेश, राग, द्वेष, प्रारब्ध है जो नकारात्मक, सब आपकी कृपा दृष्टि से, सेवा साधना संकीर्तन से जलकर भस्म हो जाए। मेरे और मेरे सभी प्रियजन के जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, गुरु तत्व, परमात्मा तत्व की कृपा हो। सभी दोस्त बंधुओं पर, सभी पर कृपा हो। हर संतान की माता पिता को पर्याप्त मात्रा में रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, आवास, व्यवस्था हो और हर माता पिता की संतान जीवन में सफलता को, दीर्घायु को, स्वास्थ्य को, शुभ मंगल को प्राप्त हो। ऐसे मेरे देश का कल्याणकारी वातावरण हो, राम राज्य हो जाए। अच्छा दोस्तों, एक बात पूछनी थी आप लोगों से, आप लोग बताना, तो जो ये प्रेस के कपड़े होते हैं, तो आप सब लोग मतलब, चलो सीधे तो करते होंगे ज्यादातर, सभी सुखाते हैं, उल्टे सुखाते हैं, तो क्या फोल्ड करके अच्छे से रखना चाहिए या ऐसे जैसे एक दो तीन चार ऐसे रख देते ना, जिस कपड़े में बांध कर देते हैं, या ऐसे ही दे देना चाहिए? आजकल वास्तु के प्रोग्राम बहुत आ रहे हैं वास्तुशास्त्र की, आपने कपड़ा उल्टा रखा धुल लें, सीधा रखा ढुल लें, आधा लटका रखा आपके बास्केट में, तो ये वास्तु दोष लगेगा आपके, ये राहु केतु ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, तो कृपया इस पर जरा दृष्टि डालिएगा। तो जब से कि भाई आपका कपड़ा है उल्टा धुलने के लिए, बुरी तरह से ना फेंके, ज़मीन पर ना फेंके, जिस या तो तुरंत धो लें, और आपने वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए रखा है किसी बास्केट में, तो कपड़ा आधा ऊपर, कपड़ा आधा नीचे ना हो, ऐसे जीवन भी आधा इधर आधा उधर बिखरा बिखरा सा होगा, सफलताएं भी अधलटकी सी होंगी। और अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौच ना करें, इससे घर के राहु केतु प्रभावित होते हैं, शनिचर बढ़ता है। और पत्नी को बहुत प्रेम करें, संतान के साथ बहुत अच्छे से प्रेम से बात करें, तो घर में बरकत आती है। अगर पत्नी और संतान से कनेक्टेड नहीं रहेंगे अच्छे से, तो घर में बरकत नहीं आएगी। सारा धन हाथ में दें, ऐसे बहुत सारी आ जाती हैं, इंस्टा पे रील आ जाती है, यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो इसके लिए देखो, ये प्रेस के लिए जाएगी प्रेस के लिए जाएगी, फिर भी मैंने देखो कितने अच्छे तरीके से इसे फोल्ड कर दिया, जैसे कबर्ड में बास्केट में सेग्रीगेट करके रखना हो। कौन कौन है भैया? को है भैयो, देख रहे हैं कहाँ चले गए, दिख रहे हैं।